हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप, मेरा नाम है आकाश। बिहार में शराब बंदी है, लेकिन अक्सर शराब को लेकर कई तरह की खबरें आती रहती हैं। हाल ही में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत भी हुई है। ऐसे में आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी बातें कही हैं, सुनिए वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहे हैं। फांसी की सजा हुई है शराब का यूज करने पर। ठीक है, आप जानते हैं वहाँ पर की घटना क्या घटी थी, जहरीले शराब लोगों को दे करके हाथ मत के जो काम हुआ और उसके चलते उतने बड़े पैमाने पर मृत्यु हुई। जब शराबबंदी लागू हो गया था 2016 में, उसी साल ही गोपालगंज जिले की घटना है, ये सबको मालूम है। उसी समय इस पर पूरी जांच की गई और जांच करने के बाद जो कुछ भी था उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ। और आज तो ये आप जानते ही है, कोर्ट का ही अधिकार है, यही संवैधानिक अधिकार है, उसके आधार पर कुछ भी देखा है उन्होंने ये फैसला किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है, लोगों को समझना चाहिए। हम बराबर करते हैं, शराबबंदी लागू की गई लोगों के हित में, और इसके बाद आप समझ लीजिए कि उसी साल कुछ जगह पर आप जहरीला शराब उन लोगों ने आपूर्ति कर दी, जिसके चलते कितने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हो गई। और उस समय भी हमने जो कहा था, याद करिए कि देख लीजिए, शराब पीजिएगा, जहरीला मिलेगा और मृत्यु के शिकार होइएगा। इसलिए कभी किसी पर भरोसा मत करिए। और जब शराबबंदी हुई है, लोगों के हित में हुई है, और जब पूरे बिहार की महिलाओं की मांग थी, युवाओं का, युवतियों का, सबकी इच्छा थी, और जिस घर में लोग शराब पीते थे उस घर में कितनी परेशानी होती थी महिलाओं की और बच्चों की, तो उस स्थिति में जो कुछ भी हुआ, कैसी स्थिति बेहतर हुई, जो लोग शिकायत करते थे। और आप जानते हैं, जब हम लोग लगातार अभियान कर रहे थे तो एक महिला ने अपनी बात कही थी, जो हम बराबर कहते हैं लोगों को, उन्होंने अपनी बात ही बताई कि मेरे पति शराब पीते थे और आ करके शाम में झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे, लेकिन जब से शराबबंदी लागू हो गई अब शाम में आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं और अब मुस्कुराते हैं, अब देखने में अच्छे लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं, ऐसी बात उन महिलाओं ने कही, ऐसी महिला ने कही जिसके घर में उसके पति शराब पीते थे और घर की स्थिति को खराब रखा था। ये कितनी बड़ी बात है, और ऐसी स्थिति में आज भी कहीं कहीं कुछ जहरीले शराब की बात हो रही है, जाँच चल रही है। तो सबको समझना चाहिए कि जब भी आप ये गलत काम करना चाहेंगे तो आपको और धोखा देगा, आपको कहेगा कि हम शराब देंगे और दे देगा जहरीला शराब, तो आप इसके शिकार होइएगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करेंगे, ये कोई मेरा व्यक्तिगत बात नहीं है, ये बापू ने कहा है, राष्ट्रपिता ने लोगों को कहा, लोग तो उसको समझे नहीं, बहुत जगह पर इसको लागू, कुछ जगहों पर लागू हुआ, कई जगहों पर लागू नहीं हुआ। और यहाँ पर तो जब महिलाओं की ऐसी सशक्त मांग थी तब हम लोगों ने इसको लागू किया और इसके लिए लगे हुए हैं। और हम तो बराबर कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला आदमी होगा, 100% आदमी सही नहीं हो सकता, ये बिल्कुल आप जान लीजिए। कभी भी इतिहास से लेकर के सारे चीजों को देख लीजिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला आदमी होता है। लेकिन नजर रखनी चाहिए, इसका अभियान चलाना चाहिए, और जो लोग भी गड़बड़ करते हैं उनको अगर इस तरह से सजा होती है तो लोगों को समझ में आएगा ना कि हम अगर इस तरह का गंदा काम करेंगे तो फिर हमको सजा मिलेगी। तो इस तरह की बात होगी, इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और समझ लीजिए, धीरे धीरे फिर बीच में कुछ गड़बड़ करने वाले लोग ज्यादा बढ़े थे, अब वो भी संख्या घट रही है। और पूरे तौर पर इसकी जांच पड़ताल के लिए हम लोग लगाए हुए, और आपको बता देते हैं कि हम तो रेगुलर ही कुछ ही दिनों के बाद आकर के सबको बुला करके पूछते हैं, सीनियर ऑफिसर्स को, और हमने तय कर दिया है कि प्रतिदिन, चाहे वो पुलिस के लोग हों जिनका जिनकी जिम्मेवारी है, मद्य निषेध विभाग के लोग हों, इनके टॉप लोगों को कह दिया है कि प्रतिदिन रोज थोड़ी देर बैठिए और सब जगह की खबर लीजिए और कहाँ क्या करना चाहिए इसके बारे में विचार करिए। अब होता है लोग, यानी होम डिपार्टमेंट के अफसर, मद्य निषेध वाले भी अफसर, और जो हम लोगों ने पुलिस अफसर DGP और जो बनाए हुए हैं हम लोग IG प्रोहिबिशन, तो ये सब लोगों की मीटिंग होती है। और अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले फिर हमने एक रोज इसके बारे में पूरी चर्चा की, बातचीत की, अन्य विषयों के अलावा इस पर भी बात होती, तो लोग लगे हुए हैं। और हम तो यही आग्रह करेंगे, और आज यहाँ पर आने का मौका मिला है, आप जानते हैं TPS कॉलेज, हम लोग तो यंग एज से जानते हैं, आज मुझको पहली बार औपचारिक रूप से जब इन लोगों ने निमंत्रित किया तो मुझको अच्छा लगा कि भाई इसके बारे में सुनते रहे हैं हम लोग अपने यंग एज से, तो हमको लगा कि जब इन्होंने भेजा
और क्या क्या बिल्डिंग्स में बना है, कुछ तो सरकार की तरफ से और कुछ इन लोगों ने अपनी तरफ से किया, और जिनके नाम से ये बना है, उनकी पत्नी ने बनाया उनकी मृत्यु होने के बाद, तो उनकी मूर्ति को भी इन्होंने स्थापित किया। और सब लोगों ने आपस में मिल करके, ये कोई सरकार का नहीं बल्कि आपस में कंट्रीब्यूट करके बहुत अच्छी मूर्ति लगी, तो उनकी मूर्ति का भी अनावरण करने का मौका मिला तो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर इन लोगों ने कई अपना सेक्टर दिखाया है जहाँ पर कई प्रकार के काम कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो मुझको अच्छा लगा। और अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हैं, ये भी साथ में हैं, देख लिए हैं अब निश्चित रूप से, और हमारे वाइस चांसलर लोग हैं, तो हम तो वाइस चांसलर लोगों से यही कहेंगे कि इन सब चीज़ों को देख करके ये बता दीजिए कि इस इंस्टीट्यूशन को और बढ़िया ढंग से चलाने में, और जो मुझे जानकारी मिली इसलिए हम आए हैं, 7,000 स्टूडेंट्स, तो ये जान करके मुझको बहुत अच्छा लगा कि 7,000 स्टूडेंट हैं, जरा चल करके देखेंगे। हम यदा कदा ही जाते हैं कोई कॉलेज में, तो आज आ करके देख लिया है तो मुझे अच्छा लगा है। और अब तो वाइस चांसलर साहब लोग हैं, अब उनसे तो हम यही कहेंगे, और शिक्षा मंत्री जी भी हैं, जान लीजिए अगर कोई सरकार की तरफ से और सहयोग की जरूरत है। नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर कई सारे बातें कही हैं, साथ ही साथ उन्होंने ऐसे कई लोगों को बारे में बताया जो शराबबंदी को फेल करने में लगे हैं। सो बने रहिए हेडलाइंस न्यूज़ बिहार के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।